Guys, keep your bags outside and mobile phone also. Come on, take your places. May I come in, sir? Yes. साइलेंस कोई भी आवाज नहीं करेगा Time up, guys. Stop writing. कोई भी बात नहीं करेगा आपस में. Stop writing, everyone. चलो हो गया. के एपिसोड्स बाद में देख ले और दिन में पढ़ाई कर. दिन में ध्यान नहीं लगता है बे. देख, इफ यू कीप पुलिंग ऑल नाइटर्स तेरा बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाएगा एंड यू नो इट आल्सो कॉजेस मेमोरी डिसफंक्शन. ऐसा पढ़ा था कहीं पे मैंने और इसीलिए तेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है टेस्ट के टाइम पे. ये तू इंजीनियरिंग काय के लिए कर रहे बे? मेडिकल करना क्या पकड़ है ये? वो छोड़, कल कौन सा सब्जेक्ट है? बी. छोड़, 4 घंटे में हो जाएगा. डूड, 3 घंटे के टेस्ट की पढ़ाई तू 4 घंटे में करेगा? टॉप तुझे मारना है, मुझे नहीं. हाँ, इसको और इसकी आइटम को. व्हाट, तेरे से निपटने वाली हो? अरे उसके सामने 4-5 डेरिवेशन जाके बोल, तब जाके पटेगी तेरे से. क्या फालतू गिरी ये लोग का इंडियन चैनल्स. पूरा सेंसर करके आधे सीन्स काट देते हैं आरामखोर. यार आई एम डन विद दिस शिट. टाइम क्या हुआ है? 2. और देखो अभी स्टार्ट करने. तेको पता है तू लेजेंड है. मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं देखा मैंने जो इतना चिल्ड आउट होके भी ना सब सब्जेक्ट्स में पास होता है. पता है. और वो सूरज 9 बजे सो गया. नो फक्स गिवन. गोल्डन लगेगी ना तब देखते हैं ओमनी फॉक्सी गिव्स. चल यार मैं जाता हूँ सोने. गुड नाइट.
तो मान जा साले, सो जा टाइम पे। ए, तू ये डॉक्टर साहब की मत सुन, तेरे पीछे सच्ची में कोई भूत लगा होगा। नहीं यार, आज सच में जल्दी सोने वाला हूँ मैं। बेकार वाली फटी कर। और हाँ एल्विस, आज मैं अंदर बेडरूम में सोने वाला हूँ इसके साथ, तू बाहर सो जा। अबे वो वापस हो रहा है मुझे। अबे क्या है यार, क्यों दिमाग को शॉट दे रहा है, जा मिला के सो जा। जा साले। अरे सोया नहीं तो अब तक, 3 घंटे में कॉलेज है, थोड़ी देर सो जा। अबे ये क्या छुट्टियां चालू है, मेरी सच्ची में पट रही है बे। आई ओके काला जादू किया होगा किसी ने। यहाँ पे लिखा है कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस और द ओल्ड हैग सिंड्रोम, एंड व्हेन वी फ्रीक आउट ड्यूरिंग अ स्लीप पैरालिसिस आवर ब्रेन समटाइम्स क्रिएट्स अ ड्रीम इन विच वी फील लाइक वी हैव वोकन अप। It's called as false awakening. Hag मतलब बूढ़ी चुड़ैल, वो जो तुझे दिखती है ना वही होगी। नहीं बे, चुड़ैल जैसी नहीं लगती वो exactly. More like a demonic girl. और क्यों होता है ये sleep paralysis? Irregular sleeping patterns is one of the causes. वाह। अब बोल साले, कब से बोल रहा हूँ तुझे, सो जा जल्दी। Okay. Here's the problem. Although sleep paralysis is a harmless condition, for most people there is no treatment for it. The key is prevention and treatment of any underlying causes such as stress and anxiety. Ab tu sun meri baat. There's this practice called mindfulness meditation that will help you calm down and also get better sleep. Uske bare mein dekh thoda net. ये तू डॉक्टर से योगी कब बन गया बे? The commonly observed intruders include a hag, alien, burglar, succubus or incubus. एक सेकंड, क्या बोला? Succubus? हाँ। तुझे पता है succubus क्या है? Succubus is a female demon who bangs sleeping dudes. हाँ? नहीं। अबे यार बेटा लग गए। अबे तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? सच्ची का भूत रह सकता है, इसके साथ हमारे भी लगेंगे। देख जोक्स अपार्ट, तू टेंशन मत ले, सच में जो बोल रहा हूँ ना वो कर। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक्स जो है वो प्रूवन है स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज कम करने के लिए।
sleep paralysis is a dream-like state. So you can also turn it into a lucid dream, wherein you are aware of the fact that you are dreaming and can manipulate things. ठीक है। चल, good night. सो जा जल्दी। और सुन, थोड़ा protection protection use कर लेना, वरना demon baby के साथ लौटेगा 9 महीने बाद। मैं मारूंगा तेरे को मैं पकड़ के। Shit. Okay. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Oh shit. सेहत के लिए बड़ों को कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए और बच्चों को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। जब लोग बहुत कम सोने लगते हैं तो उनको कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां लग जाती है। स्लीप पैरालिसिस ये ऐसी एक परेशानी है जो दुनिया के करीब करीब 40% लोगों को कभी ना कभी होती है, कुछ लोगों को ज्यादा दिन तक परेशान करती है। अब यह स्लीप पैरालिसिस है क्या?
नॉर्मली जब हम नींद में सपने देखते रहते हैं तब हमारे सेंसेस और मसल कंट्रोल स्विच्ड ऑफ होते हैं। जब हम जाग जाते हैं तो सपना टूट जाता है और मसल कंट्रोल और सेंसेस एक्टिव बन जाते हैं। स्लीप पैरालिसिस में ये होता है कि ऐसे महसूस होता है कि हम जाग गए हैं लेकिन हम हिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, उठ नहीं पा रहे बिस्तर से, सब देख रहे हैं ऐसे लगता है। वास्तव में ये होता है कि मसल कंट्रोल तो स्विच ऑफ ही होता है, इसके लिए वो हिल नहीं पाते और असली में ये सपना ही होता है, सपनों में ही जाग जाते हैं। इसे फॉल्स अवेकनिंग कहते हैं। इसकी वजह से परेशानी ये होती है कि वो कभी कभी सांस भी नहीं ले पाते। ये एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे, कोई उनके छाती पे बैठ के उनको दबाव डाल रहा है छाती पे। अभी ये मसल कंट्रोल स्विच ऑफ होने की वजह से उनके जो ब्रीदिंग मसल्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। अभी इसकी वजह से ब्रेन ये इंटरप्रेट करने लगता है, ब्रेन इसका मतलब ये निकालता है कि कोई भूत या चुड़ैल छाती पे बैठ के छाती को दबा रहा है, जकड़ के रखा है। फिर ये सपनों की कहानी कई तरह की ऐसी चीज़ें दिखाती है कि जो असल में होती नहीं है। कभी कभी भयानक आवाज़ें भी आती है। अभी इसका उपाय क्या किया जाए? उपाय सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शांत रहे। जो लोग स्ट्रगल करते हैं, डर के मारे में स्ट्रगल करते हैं, उनका यह प्रॉब्लम लंबा होते जाता है। जो लोग शांत रहते हैं, मतलब सपनों के दौरान भी जो अवेयर रहते हैं और जो शांत रहते हैं, वो ये प्रॉब्लम को जल्दी खत्म कर सकते हैं। वो ये प्रॉब्लम को लूसिड ड्रीमिंग में भी बदल सकते हैं, जैसे पवन ने किया था कि वो सपनों को कंट्रोल कर पाते हैं। वो अवेयर रहते हैं कि मैं सपना देख रहा हूँ, सपनों को कंट्रोल करके डरावनी चीज़ें निकाल के अच्छे थॉट्स भी उसमें ला सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।